अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्वीट एंड स्पाइस। आज हम बहुत ही मज़े की और बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं, जो है चिकन टिक्का बिरयानी। इसके लिए हमें चाहिए 1 whole chicken, जिसको मैंने कड़ी पीसेस में कट करवा लिया है। आई एम एडिंग सॉल्ट, नमक हसबे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon, शान टिक्का मसाला पाउडर 2.5 tablespoon, जिंजर और गार्लिक पेस्ट 2 teaspoon, लीमू 1/2, दही 2 teaspoon, one tablespoon cooking oil। मिक्स इट वेल और इसको मैरिनेट करने रख देंगे हम। तकरीबन 1 घंटा इसको कवर करके मैरिनेशन के लिए रखेंगे। एक घंटे के बाद हम पार्चमेंट पेपर अपनी बेकिंग ट्रे पे रखेंगे और उसके ऊपर एक एक करके ये सारी चिकन पीसेस रखेंगे, जिसको हम ओवन में बेक करेंगे 1 का मैंने पहले ही प्री हीट किया है एट 180 degree, और अब मैं इस डिश को अंदर रख रही हूँ। इसको हमें बेक करने में तकरीबन 1/2 घंटा से लेके 1.5 घंटा लगेगा। ये देखिए जी, अब ये हमारा तैयार हो गया है चिकन। ये लीजिए जी, मैंने अपना स्टोव भी ऑन कर लिया और अब इसके ऊपर मैं अपना पैन रखूँगी। ऑयल डालेंगे थोड़ा सा, तकरीबन 4 to 5 tablespoon, 1/2 चम्मच काली मिर्च, साबुत काली मिर्च, आठ नौ पीसेस लौंग के, 1 inch दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 1 जायफल, 3 छोटी इलायची, 2 बादियाने के फूल और 1 teaspoon जीरा। इन सब को थोड़ा भून लेंगे कि इसकी खुशबू आना शुरू हो जाए। तकरीबन 1 to 1.5 minutes तक हम इसको हल्की आंच पे फ्राई करेंगे। अब हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, जिसको बारीक स्लाइसेस में काटा है
और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। इस मौके पे बड़ी ही अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाती है। जैसे ही ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन में इनका कलर टर्न होगा, फिर हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। अब हम इसमें एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। याद रखिए, फ्लेम आपका ना ज़्यादा हाई हो ना लो। अब हम एक टमाटर चॉप करेंगे और उसको अपनी डिश में डाल देंगे और फ्लेम बहुत हल्का करके उसको पकाएंगे। साथ ही साथ मैं इसमें नमक और लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि ये नीचे ना लगे। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें दही डाल रही हूँ 2 चम्मच। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप 3 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब जो हमारा चिकन रोस्ट होके तैयार था, वो बोटियाँ हम इसके अंदर डालेंगे। ये बन गई ग्रेवी और ग्रेवी के अंदर जा रही है हमारा चिकन टिक्का। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए ताकि ये एक यकजान हो जाए। ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई। अब चलते हैं चावलों की तरफ। पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा ऑयल और नमक अपने जायके के मुताबिक डालिए। इसमें एक तेजपात जिसे बे लीफ भी कहते हैं वो भी ऐड करेंगे और पानी को थोड़ा हीट अप होने देंगे। जैसे ही इसमें बबल्स आना शुरू होने वाले हों, हम उसमें राइस भीगे हुए डाल देंगे। अब इन राइस को बॉईल करना है। जैसे बॉईल हों, हम उसका पानी ड्रेन कर लेंगे अपने स्ट्रेनर से। और अब लेयरिंग का टाइम शुरू हुआ। एक पैन में सबसे पहले हमने चावलों की लेयर डाली, उसके ऊपर हमारी चिकन ग्रेवी आ गई। अब दोबारा से चावलों की लेयर। ऊपर थोड़ा सा जर्दा कलर या येलो कलर। साथ ही थोड़ा सा धनिया खुशबू के लिए और टेस्ट के लिए। थोड़ी सी हरी मिर्च, मेरे पास रेड मिर्च थी तो मैं ये वाली डाल रही हूँ।
और लेमन स्लाइसेस, इससे तो बिरयानी के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। इसको अब हम दम पे रख देंगे बहुत ही हल्की आंच पे। दम पे रखने के बाद ये हमारी अब बिरयानी तैयार है गर्मा गर्म। इसको प्रॉपरली मिक्स करेंगे और मिक्स करके इसको डिश आउट करेंगे। देखें, गर्मा गर्म चिकन टिक्का बिरयानी तैयार है।